इस वीडियो क्विज टेस्ट में हम आपसे पूछेंगे पुलिस एग्जाम क्वेश्चन पेपर से 20 इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड सवालों को। आप इस वीडियो क्विज टेस्ट को ध्यान से खेलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारत में बैंकिंग सेक्टर किसके द्वारा संचालित होता है? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय। ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। तो आंसर सोचने के लिए समय शुरू होते हैं अब। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस स्थिति में कार्य हुआ है? ध्यान से देखिए। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। पुस्तक को ऊंचाई तक उठाना, ट्रॉली को खींचना, बैल द्वारा गाड़ी को खींचना, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 3, कार्य का मात्रक क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जूल। क्वेश्चन नंबर 4, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। क्वेश्चन नंबर 5, पर्यावरण से हमें क्या क्या मिलता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, हवा, जल, भोजन, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस हर साल कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 16 मई को। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सा एक आउटपुट कंप्यूटर डिवाइस का उदाहरण है? इनमें से कौन सा एक आउटपुट कंप्यूटर डिवाइस का उदाहरण है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्पीकर। क्वेश्चन नंबर 8, तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था? तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अशोक के शासनकाल में 250 ईस्वी पूर्व में किया गया था। जगह था पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 9, सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन से प्रकृति की देन नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुआं। ये खुद से खोदा जाता है। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पे और करता है। धन्यवाद। आगे सवाल है, 1024 बाइट इज इक्वल टू क्या होता है?
सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 KB के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में कॉफी की सबसे अच्छी उपज कहाँ होती है? भारत में कॉफी की सबसे अच्छी उपज कहाँ होती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 13, महात्मा गांधी को कैसर ऑफ हिंद की उपाधि कब दिया गया? महात्मा गांधी को कैसर ऑफ हिंद की उपाधि कब दिया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1915 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय दंड संहिता की धारा 124A जो हाल ही में चर्चा में रही में क्या प्रावधान है? पुलिस एग्जाम के पर्पस से ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देशद्रोह को अपराध ठहराना धारा 124A का प्रावधान है। ध्यान रखिएगा, देशद्रोह को अपराध ठहराना। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किसे भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा चुना गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु हवाई अड्डा। क्वेश्चन नंबर 16, सबसे बड़ा प्राकृतिक राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई महाराष्ट्र। मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा प्राकृतिक राष्ट्रीय बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 17, शिवाजी को औरंगजेब का बंदी निम्न में से किस राजदूत ने बनाया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमर सिंह राठौर। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में टीन केवल एक ही स्थान पर पाए जाते हैं, वह स्थान है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हजारीबाग, यानी कि झारखंड में हजारीबाग शहर में टीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक रूप से बाल सफेद हो जाना। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन से भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष है? अकेले सवाल है, तारापुर परमाणु बिजली घर देश के किस राज्य में स्थित है? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में जाना होगा, वहां पे लिखना होगा क्यू फॉर यू और इसके राइट आंसर। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके अपने मित्रजनों में शेयर जरूर करिए। आप चाहे तो आई बटन पे क्लिक करके और भी वीडियोज को देख सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।